बहना, मेरा ये दिल मेरी मैना, ये मेरा ये दिल मेरी मैना, तेरा ही तेरा है ना, मेरा ये दिल मेरी मैना, अरे तेरा ही तेरा है ना, मान मेरा कहना दिल से तोड़ना, अरे मान मेरा कहना दिल से तोड़ना, मुझको है तुझसे ये कहना, ये कहना, मेरा ये दिल मेरी मैना, ये मेरा ये दिल मेरी मैना, तेरा ही तेरा है ना, मेरा ये दिल मेरी मैना, अरे तेरा ही तेरा है ना। दिल मेरी मैना, तेरा ही तेरा है ना, मेरा ये दिल मेरी मैना। है गच्ची पे चढ़ती है, पतली कमर वाली उम्र तिरछ नजर ढाई कहर, अरे आम से मीठी है गुडली, अरे बंडिया पोरगी पटली रे पटली, ख्वाबों में आती हो नींद उड़ाती हो, जुल्फों की छांव में मुझको सुलाती हो, अरे ढोनेवा ये पांडवा पोरगी फसली रे फसली, ख्वाबों में आती हो नींद ये मैंने जाना, अरे मैं तेरा आशिक ये मैंने जाना, सारे जमाने से ये कहना, ये कहना, मेरा ये दिल मेरी मैना, ये मेरा ये दिल मेरी मैना, तेरा ही तेरा है ना, मेरा ये दिल मेरी मैना, ये तेरा ही तेरा है ना, मेरा ये दिल मेरी मैना, तेरा ही तेरा है ना, मेरा ये दिल मेरी मैना, अरे तेरा ही तेरा है ना, अरे मेरा ये दिल मेरी मैना, तेरा ही तेरा है ना। क्या हुआ जय, क्या सोच रहे हो? बचपन से माँ बाप का प्यार मुझे नसीब नहीं हुआ, तुम्हारा प्यार पाने के बाद पता चला जिंदगी क्या चीज होती है। मुस्कान, तुम जिंदगी भर मेरा साथ निभाओगी ना? हाँ जय। मुस्कान, अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं अपनी जान दे मर जाऊंगा मैं। मुस्कान, पागल हो गए क्या? पागल हो गया मैं, पागल हो गया मैं तुम्हारे प्यार में मुस्कान। मुस्कान, मैं जय बोल रहा हूं। क्या मैंने जो कुछ भी सुना वो सच है? क्या सुना है? यही कि तुम किसी और से शादी कर रही हो। मुस्कान, तुम्हारी खामोशी मेरी बेचैनी बढ़ा रही। प्लीज फॉर गॉड से समथिंग।
समाज है, ये सच है। ये क्या कह रही हो तुम? तुम प्यार तो मुझसे करती हो ना, फिर तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? क्या यही था तुम्हारा प्यार? जय, घर वालों की जिद के आगे मैं मजबूर हूँ। तुम्हें तुम्हारे घर वाले याद रहे, हमारा प्यार, हमारे सपने, वो वादे, वो कसमें सब भूल गई तुम? मैं कुछ नहीं भूली, पर हालात ही कुछ ऐसे हैं। I'm sorry, Jay. ठीक है मुस्कान, अगर हालात का यही फैसला है तो मुझे मंजूर है। तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी में मुबारक हो, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लेना, वहां तुम्हारी डोली उठेगी और यहां यहां मेरा जनाजा। नहीं नहीं जय, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सॉरी मुस्कान, तुम हालात के हाथों मजबूर हो और मैं दिल के हाथों मजबूर हूं। जय जय जय, अमित अमित जा जल्दी अपनी दीदी को बुला कर ला, लगता है लड़के वाले शगुन लेकर आ गए हैं। यार ये कौन सा तू निकाल? व्हाट मॉम? अपनी दीदी को बुला कर ला, लड़के वाले शगुन लेकर आ गए हैं। बस इतना ही? हाँ हाँ इतना ही, जाओ अभी। जी जी हाँ हाँ, जनवा सवालों के साथ मेरी बात हो गई है और आजकल मैं मेहमान भी आने शुरू होंगे। आप यहाँ हैं? जी मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेहमानों का स्वागत कीजिए, लड़के वाले शगुन लेकर आए हैं। मुस्कान की माँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि हमने जो फैसला लिया है क्या वो सही है? न जाने क्यों, जब से हमने रिश्ता पक्का किया है तब से मैं अपनी मुस्कान के चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी देख रहा हूँ। देखिए, शादी से पहले हर लड़की की यही हालत होती है। हम उसके माँ बाप हैं, उसका बुरा तो नहीं सोचेंगे ना? हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो जय, मैं जानती हूँ जय एक अच्छा लड़का है, लेकिन अच्छाई को गुनकर दो वक्त की रोटी तो नहीं बनाई जा सकती है। यहाँ सनी, सनी करोड़पति है। देखिए हमारी बेटी वहां रानी बनकर राज करेगी। दी आप यहाँ हो? माँ आपको कब से बुला रही है, लड़के वाले के घर से शगुन आया है। दी दी, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कुछ नहीं, बस यूं ही। लगता है हम सबसे बिछड़ने के गम में उदास हो गई हो। अरे दी, जब नए रिश्ते बनते हैं तो पुराने खत्म थोड़ी ना हो जाते हैं। अब चलो भी। जाना तुम्हें बहुत दुख पहुंचाएगा, मगर तुम रोना मत, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं। तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता मुस्कान, जहां भी रहना खुश रहना। अलविदा माय लव।
वाह वाह वाह, अच्छा है। विद लव मिस्टर राज। मेरा कल भी तुम, मेरा आज भी तुम, मेरी सोच भी तुम, मेरा राज भी तुम। कभी बना था ताज महल मुमताज के लिए, वो ताज भी तुम, मुमताज भी तुम। कैसा लगा मेरा ये नया शेर? बकवास। नहीं नहीं, शादी आपके भांजे की हुई है और रोमांटिक आप हो रहे हैं, वो भी इस उम्र में। कौन कहता है कि इस उम्र में प्यार का सिलसिला नहीं होता? अरे आम तब तक मजा नहीं देता जब तक वो पिलपिला नहीं होता। इधर तू क्यों हंस रहा था बे? मालिक, आप दोनों का प्यार देखकर हंसी आ गई। अच्छा, तुझे प्यार की बड़ी समझ है? अरे मालिक, आपकी तो एक है, हमारी तो दो दो बीवियां थी, एक प्यारी और दूसरी राम प्यारी। लेकिन मैंने तो किसी को नहीं देखा, कहाँ है दोनों? मालिक, एक ऊपर वाले को प्यारी हो गई और दूसरी पड़ोसी को। भाग। गुड मॉर्निंग मामा जी। गुड मॉर्निंग मामी जी। आजा बेटा, आजा। मामा जी इधर आजा, यहाँ बैठ मेरे पास। खुश रहे, बहुत किस्मत वाला है तू, खूबसूरत बहू के साथ साथ ढेर सारी खुशियाँ भी लाया है। अरे स्वीटी, इसमें भी कोई शक है क्या? हमारा भांजा है ही इतना प्यारा कि सब इसको प्यार करते हैं। आहा, भांजा नहीं, बेटा कहिए, बेटा। हाँ भाई, बेटा, बल्कि बेटे से भी बढ़कर। दीदी और जीजा जी के गुजरने के बाद हमने ही तो इसे सीने से लगाकर पाला है। वो तो है मामा जी, आप दोनों मेरे लिए माँ बाप से कम थोड़ी ना है। बस बस बस, ये सब बातें बंद करो और देखते हैं कि गिफ्ट्स में क्या क्या है। हाँ, है ना? खोलो। हाँ। ये देखिए मामा जी। अरे वाह, गोल्ड चेन। ओ वजनदार है, मतलब असली है। बेटा ये बहू को दे दे। हाँ। लो, लो? बहू का असली गहना तो तुम ही हो, ला, मैं तेरी समानत को संभाल के रख देती हूँ, ठीक है? बेटा, ये तो बताया नहीं कि हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हो? मामा जी, वैसे तो ऑल ओवर वर्ल्ड घूम चुका हूँ, रही बात हनीमून की, तो ये तो मैम ही बताएंगी कि कहाँ जाना है, लंदन, स्विट्जरलैंड या? हाँ हाँ, बोलो बोलो। इंडिया। ये होती है असली हिंदुस्तानी बहू। लेकिन बहू इंडिया में कहाँ? कश्मीर, कुल्लू मनाली, भीमताल, नैनीताल। मामा जी, मामा जी, मामा जी, ये भी वही डिसाइड कर लेंगे, हम अगला गिफ्ट खोलते हैं। ओके। और नहीं तो क्या, कुछ भी बोलते रहते। ओके, हाँ। ओके। अरे यार, ये फिर नहीं खुल रहा है यार। ये बिना मौसम हवा का झोंका कैसे? क्योंकि हम बेवजह यहाँ बैठे हैं। चलिए ना। ओ हाँ, भूली गया था। मैं ये संभाल के रख देती हूँ। ग्राफिक रिसॉर्ट, बुकिंग विद एयर टिकट्स। अरे देखो, किसी ने हनीमून पैकेज भेजा है। केरला में है, शहर से थोड़ा दूर है पर चलता है। वैसे सवाल मैंने मैम से किया और जवाब लगता है कोई बहुत करीबी है, इसलिए नाम नहीं लिखा है। क्या ख्याल है मुस्कान, चलें? चुप से हो क्यों, चले एक हो जाएं। सुम से हो क्यों, चुप से हो क्यों, चले एक हो जाएं। एक दूजे को जानें, पहले समझ जाएं। एक दूजे को जानें।
सदा। कोई झूठ नहीं दिल में है यही, चल एक हो जाए। एक दूजे को जानूं पहले समझ जाए। हम न रहे तुम न रहो अब एक हो जाए। हम न रहे तुम न रहो अब एक हो जाए। टीके आओ, ये लो 1,00,000 एडवांस। काम ग्राफिक रिसोर्ट। थैंक यू सर। आप लोगों के लिए इस बंगले की बुकिंग है। आइए सर। सर यह है आपका बंगलो। अच्छा है। और यह चाबी। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो फोन कर दीजिए। ओके। वैसे यह हर बंगलो के लिए अलग वॉचमैन है, वो वहां सर्वेंट क्वार्टर्स में। ओके सर। ओके। हैव ए नाइस टाइम। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या अजीब कैरेक्टर था। भाई भाई चिकना है फोन पर। हाँ बोल चिकना। भाई वो लोग तो रिसोर्ट पहुंच गए। तो उन पे कड़ी नजर रख, हम लोग कुछ ही देर में वहां पहुंचने वाले हैं। ठीक है भाई। भाई ये सनी मल्होत्रा आदमी है कैसा? निहायती कमजोर और डरपोक किस्म का आदमी है वो। ओहो मुस्कान, तुम भी ना। सनी ये जगह कुछ डरावनी सी नहीं लगती? डरावनी? हाँ। मुझे तो ये रोमांटिक लग रही है। लेकिन वो मुस्कान, डोंट वरी, मैं हूं ना। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। हेलो। हेलो सनी। हाँ मामी। कैसी जगह है मामी? रात को पहुंचे हैं, सुनसान है मगर खूबसूरत है जगह। मुस्कान कहाँ है? वो फ्रेश हो रही है। बहुत अच्छी जगह है। सही कह रही हैं आप। और सुन, मेरी बहू का ख्याल रखना, समझे? ओके मामी, बाय। हाँ
सनी, क्या हुआ? मुझे लगता है यहाँ कोई है। कौन? पता नहीं, साया, कोई साया मुझे छुप के देख रहा है। ओ कम ऑन मुस्कान, यहाँ कोई नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें सफर की थकान हुई है। नो सनी, देयर इज समथिंग रॉन्ग। मुस्कान इधर देखो, मैं हूं ना, मैं हूं ना, सो डोंट वरी, कम। मुस्कान मेरा नाइट शूट देना प्लीज। मुस्कान, चुराने लगी सासों में मेरी समाने
मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराओ मत, मैं हूं ना, फोन दो। फोन डेड है। सनी घबराओ मत, मैं आ रहा हूं। ससुरा सोने भी नहीं देते, क्या हुआ? अरे तुम यहाँ सो रहे हो, वहां बंगले के सामने एक लाश पड़ी है। लाश? हाँ भाई लाश। किसकी लाश है साहिब? पता नहीं किसकी, मगर वहां बंगले के सामने एक लाश पड़ी है। अच्छा लाश पड़ी है। डरावना सपना देखे हो? नहीं, मैंने कोई सपना नहीं देखा। वो तुम्हारी लाश है, लाश की शक्ल तुमसे मिलती है। क्या कह रहे हो साहिब? चलो जरा हम देखे कौन हमारे जुड़वा भाई पैदा हो गए। चलो चलो, देखो यहाँ है लाश। अरे यही तो थी लाश, मैंने अपनी आंखों से देखा। अरे साहब कोई लाश वाश नहीं, हम कह रहे आप कोई बुरा सपना थे। जाओ जाकर सो जाओ, हमको भी सोने दो। मैंने कोई सपना नहीं देखा है, मैं सच कह रहा हूं, लाश यहीं पड़ी थी। उसके चीखने की आवाज मेरी बीवी ने भी सुनी है, मेरा विश्वास करो। रुको मैं उसको बुलाता हूं। मुस्कान, मुस्कान! क्या हुआ? हमने चीख की आवाज सुनी थी ना मुस्कान? हाँ सुनी थी, पर हुआ क्या? जब मैं बाहर आया तो देखा यहाँ एक लाश पड़ी हुई है। वॉचमैन को आवाज लगाई तो वॉचमैन की शक्ल लाश की शक्ल से हूबहू मिलती है, और जब यहाँ आए तो देखा लाश गायब। आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? लाश, वॉचमैन, और आप कौन से वॉचमैन की बात कर रहे हैं? ये क्या, ये रहा वॉचमैन। मुझे तो कोई भी वॉचमैन नहीं दिखाई दे रहा। उसकी हंसी भी क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रही? मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। वो देखो, वो धीरे धीरे धुंध में गायब हो रहा है। मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है वहां। तुम्हें नजर नहीं आ रहा है तो वो मुझे क्यों नजर आ रहा है? सनी मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो हम अंदर चलते हैं। अरे तुम तो थक रहे हो, चलो प्लीज अंदर चलो, चलो चलो ना। हेलो हेलो, कौन? मामी, क्या हुआ मुस्कान? वो इन्हें क्या हुआ सनी को? कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्या बताऊं? इनकी तबीयत भी खराब हो गई है। अरे
अभी तो मेरी उससे बात हुई थी। तुमसे बात नहीं हो सकी इसलिए दोबारा कॉल कर रही हूँ। मेरी अचानक नहीं पता मामी क्या हुआ है और मैं कुछ बता भी नहीं पाऊंगी। सुन मुस्कान, अगर वहाँ कुछ ऐसी वैसी बात है तो तुरंत वहाँ से निकल आओ। मामी अब जो भी होगा सवेरे ही होगा, वैसे भी हम कल आ रहे हैं। ठीक है, तुम लोग कल ही वापस आ जाओ। और सुन, मेरे सनी का ख्याल रखना और अपना भी। ठीक है मामी। क्या हुआ? बेचारा सनी गया तो था हनीमून मनाने, लेकिन वहां बीमार पड़ गया। पानी। मैं दे दिया पानी। अभी लाई। आप क्या कह रही हैं? मैं जो भी कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ। लेकिन लेकिन क्या? कल रात को मैंने एक लाश देखी वहां पर। वॉचमैन को बुलाने गया तो देखकर हैरान रह गया। उस लाश की और वॉचमैन की शक्ल एक ही थी। और बाद में वो वॉचमैन भी गायब हो गया। रिसोर्ट में लाश? हाँ। यहां तो किसी को भी कोई लाश नजर नहीं आई। यही तो मैं कह रहा हूं, पहले लाश गायब हुई और उसके बाद वॉचमैन भी। राघव। यस सर। गोविंद को बुलाओ। जी सर। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैडम, कई सालों से हम यहाँ काम कर रहे हैं। इतने सालों में यहाँ कई कस्टमर आए, उनमें से कभी किसी ने ये शिकायत नहीं की। देखिए मैनेजर साहब, हमें दूसरों से कुछ लेना देना नहीं है। जो हम पर बीती है वो हम ही जानते हैं। सर ऐसी बात है तो आज रात मैं आपके कमरे में सो जाता हूँ, आई मीन सर्वेंट क्वार्टर में। नहीं, हमें यहाँ नहीं रुकना। आप बिल बनवाइए और कार मंगवाइए। यस सर। गोविंद अच्छा हुआ तुम आ गए। सर क्या यही वो वॉचमैन था? नहीं, ये नहीं था। ये कैसे हो सकता है? रात को बंगले पर तो इसी की ड्यूटी थी। ये नहीं था वहां पर जब मैं वॉचमैन को बुलाने गया था। तो साहब आपने जरूर कोई सपना देखा होगा। काश वो सपना होता। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि रात में हम पे क्या बीती। आप बस बिल बनवाइए और कार मंगवाइए। जी। अरे मैं पर्स भूल आई, अभी लाती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, ड्राइवर चलो।
तो बोले ना भाई, 6 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी। लेकिन तेरे चेहरे पे क्यों 12 बजे हुए? सारी तैयारियां हो चुकी है ना? हाँ भाई, पूरी तैयारी हो चुकी है। गुड, तो फिर आज जाके सोने के अंडा देने वाली मुर्गी को हमेशा हमेशा के लिए कैद कर देंगे। तुमसे जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो। हमारा इंटरव्यू मत लो। क्या तुम अपनी बेटी दे रहे हो जो हमारे इंटरव्यू ले रहे हो? मिस्टर मिसेस सनी मल्होत्रा किस कमरे में? सॉरी सर, अब वो चले गए। क्या? 5:35 हो गए। बस अब आधे घंटे में हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। क्या हुआ ड्राइवर? क्या प्रॉब्लम है? इतनी देर से कोशिश कर रहे हो, गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा मैडम। बहुत लेट हो रहे हैं, आप एक काम कीजिए, रिसॉर्ट फोन करके दूसरी गाड़ी मंगवा लीजिए। ओ हेल, नेटवर्क भी नहीं है। एक काम करते हैं, इसे कोशिश करने दो। चलिए हम बाहर चलकर देखते हैं कोई लिफ्ट मिल जाए। इस सुनसान इलाके में कौन सी गाड़ी आएगी? आओ तो सही। महसूस हो रहा था कि यहाँ कोई है। जल्दी कुछ करो। तुम रुको, मैं देखता हूँ। तुम्हें कुछ समझ आ रहा है क्या प्रॉब्लम है? देखा तो रहा हूँ साहब। ओहो, कहाँ फंस गए? क्या मुसीबत है यार। अये मुसीबत का कोई ठिकाना थोड़ी ना साहब, कभी भी और कहीं भी आ सकती है। जो मुझे लाश बनकर दिखाई देता है। लाश? कभी वॉचमैन बनकर। वॉचमैन? और आज तो ड्राइवर भी वही था। हाँ, आज ड्राइवर भी वही था। सनी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब हम कहाँ हैं?
हमारी फ्लाइट मिस हो गई थी तो हमें दोबारा उसी रिजॉर्ट में आना पड़ा। क्या हम उसी रिजॉर्ट में आ गए? अगर क्यों? तो मैं क्या करती? जब तक कार ठीक हुई हमारी फ्लाइट मिस हो चुकी थी। शिट। लंबा रास्ता, सुनसान सड़कें, चारों तरफ सन्नाटा और ऊपर से तुम्हारी ऐसी हालत, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। इसका मतलब आज की रात फिर वही सब होगा। ओ, देखो सनी, सिर्फ आज रात की बात है। वैसे मैनेजर बता रहा था कि अगले 2 दिनों तक मुंबई की कोई फ्लाइट नहीं है। कौन है? मेटर। हाँ, बोलो। मैडम, किचन बंद कर रहा है। आप लोगों का कुछ ऑर्डर है क्या? इतनी जल्दी किचन क्यों बंद हो रहा है? मैडम, रिसॉर्ट में आप लोगों के सिवा कोई नहीं है। सारे बंगले बंद पड़े हैं। मतलब आसपास और कोई नहीं है? नहीं सर। वॉचमैन? वो तो रहेगा ही। प्लीज ऑर्डर मैडम। आपके लिए क्या ऑर्डर करूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो लो। नहीं। ऐसा करो, 2 ग्लास दूध और कुछ सैंडविच बना लाओ। ओके मैडम। वेज या नॉन वेज? क्या हुआ? इच्छा नहीं है। क्यों? कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चलिए आप दूध पी लीजिए। मुस्कान? नहीं सनी, मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ कुछ है? मुस्कान, यहाँ कुछ भी नहीं है। मैंने अभी यही देखा, यही। रुको, रुको, मैं देखता हूँ। सनी, Who's there? Who's there? वेटर ने तो हमसे कहा था कि इस पूरे रिसॉर्ट में हमारे सिवा कोई और नहीं है। शायद उसे पता नहीं होगा, हम अभी अभी आए हैं। अच्छा बताइए, हुआ क्या? मैं और मेरे पति यहाँ हनीमून के लिए आए हैं। हमने इसी रिसॉर्ट में एक बंगलो बुक कराया था। यहाँ पर आने तक तो सब ठीक था, पर बंगलो में पहुँचते ही पता नहीं मेरे पति को क्या हुआ। अचानक अजीब अजीब सी हरकतें करने लगे, अनाप शनाप बकने लगे। आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग। लेकिन हम लेट्स सी, एक नजर देख लेते हैं। हाँ, प्लीज जल्दी चलिए। चलो प्लीज चलिए। हर जगह मैं, चारों तरफ मैं, अंधेरे में मैं, उजाले में मैं, हवा में मैं, तूफान में मैं। देखिए ना, कुछ भी कैसी बेकी बेकी बातें कर रहे हैं। दुनिया में बस मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं ही हूँ। रिलैक्स रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। और कुछ भी नहीं। तुम दोनों ये रुको, मैं देखता हूँ। हवा, बादल, आंधी, खौफ, ध्यान से, अंधेरा। हर अंधेरे में एक उजाला, हर उजाले में एक अंधेरा। पाने वाला खोता है, खोने वाला पाता है, बस ढूंढने वाला ढूंढता रह जाता है। हर पहलू का दूसरा पहलू होता है। जैसे जैसे Sunny!
हाँ बोल डीके। मेरे काम का क्या हुआ? डीके, ये तेरे ऑफिस का झोल जाल नहीं है जो रातों रात हो जाएगा, ये किडनैपिंग है। किडनैपिंग, इसमें बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। लेकिन तू फिकर मत कर बिड़ू, तेरा काम अपू जल्द से जल्द कर देगा। अगर वहाँ ये काम नहीं हुआ तो यहाँ बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैडम, मैं आपको झूठा साबित नहीं करना चाहता, मैं तो आपसे बस यह कहना चाहता हूं कि इस रिसोर्ट में आपके अलावा और कोई नहीं। आप रजिस्टर देखिए, कोई एंट्री नहीं है। हाँ, और यहाँ की चाबी भी सिर्फ मैनेजर साहब के पास ही रहती है ना सर? फिर रात को वो औरत जिसको मैंने देखा था, वो कौन थी? मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता हो तो आप हमारे साथ चलिए, बंगला देख लीजिए। आइए आइए ना, आइए आइए, अंदर आइए आप लोग। देखिए देखिए, सब जगह देखिए। यही थी वो औरत। वॉचमैन, वॉचमैन कहाँ है? वॉचमैन रखो, जाओ जाकर इस बंगले के वॉचमैन को बुला कर लाओ। अब तो आपको विश्वास हुआ मैनेजर साहब? मैं क्या कहूँ सर। सर हाँ, क्या हुआ? वहाँ झाड़ियों में वॉचमैन की लाश पड़ी है। मैनेजर साहब, ये सब क्या हो रहा है? अभी क्या, अभी पुलिस को बुलाइए। पुलिस? पुलिस नहीं। देखिए सर, पुलिस यहाँ आएगी तो रिसोर्ट की बड़ी बदनामी होगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, ये जरूर कोई ऊपरी साय का काम है। इसके लिए पुलिस नहीं, फादर एग्नल की जरूरत पड़ेगी। फादर एग्नल? क्या बात है फादर? कुछ दिनों से हमारे रिसोर्ट में अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। दो लाशें भी मिल चुकी हैं और यह सब इनके साथ हो रहा है। हाँ फादर, मैं जिस दिन से यहां आया हूं, एक आदमी अलग अलग जगह पे मुझे लगातार दिखाई दे रहा है। कुछ कीजिए फादर। मैं क्या करूंगा, करने वाला तो सब वो है, फिर भी देखते हैं। हुआ फादर? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो फिर आप ऐसे कैसे? फादर, इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है,
इन सब बातों ने इन्हें तोड़ कर रख दिया है। प्लीज फादर, इनके लिए कुछ कीजिए। जो कुछ मेरे बस में था वो मैंने किया। रही तुम्हारे पति की बात, तो कम से कम इनकी जान मैं तो नहीं बचा सकता। मैडम, आप लोग इस तरह से जा रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा बुरा रहने दीजिए मैनेजर साहब, मुझे सिर्फ मेरे पति की फिक्र है। मगर मुंबई की फ्लाइट तो 2 दिन बाद है, आप लोग जाएंगे कैसे? बाय कार। बाय कार? इतनी दूर? हमने डिसाइड कर लिया है, अब हम यहां नहीं रुकेंगे। साहब गाड़ी आ गई है। चलिए। क्या बड़े बड़े ख्वाब देखे थे, ऊंचे ऊंचे प्लान बनाए थे, क्या हुआ? हाथ में क्या लगा? बाबा जी का घंटा? जो यहां नहीं हुआ वो मुंबई में क्या होगा? गलती तुम दोनों की नहीं बल्कि मेरी है कि तुम दो उल्लू के पट्ठों को लेकर मैं इतना बड़ा गेम बजाने चला। आता जाता कुछ नहीं, क्लास थोड़ा पारा ना कलीस कहीं। भाई आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती उनकी की जाती है जिनकी कोई इज्जत हो। अरे तुम दोनों धरती पे बोझ हो। यहाँ लड़ रहे हो? अरे जिसे ढूंढा गली गली वो तो उस गाड़ी में मिली। क्या बात कर रहे? अरे सनी और उसकी बीवी दोनों मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है अभी। इसका मतलब कल वो रात को नहीं गए? चलो आज ही इनका गेम बजा देते। चलो। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। रिलैक्स हो जाओ, हम उस जगह को छोड़कर काफी दूर आ चुके हैं। पता है मगर सफर अब भी काफी लंबा है। जानती हूँ, हम रास्ते में कोई अच्छी जगह देखकर रुक जाएंगे। मुझे तो लिफ्ट को टर्न लिया है। घबराने की कोई बात नहीं है। चकना, शकील, हाँ भाई, अंदर जाओ और मलेरिया की तरह फैल जाओ। और एक बात कान खोल के सुन लो, इस बार गलती से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी भाई। सर मोबाइल बंद कीजिए, अंदर शूट चल रहा है। Let's go.
अपने आतिश लगाई, जीने ना देगी तेरी जुदाई, तेरे इश्क ने आतिश लगाई। नहीं है, जख्म ज्यादा गहरे नहीं है, मैंने ड्रेसिंग कर दी है और इंजेक्शन भी दे दिया है। आप ये दवाइयां दिन में 3 बार दीजिएगा। ओके थैंक्स मैम, ये आपकी फीस। थैंक्स। अब हम लोग जा सकते हैं? बिल्कुल चलिए।
थैंक यू। वेलकम। ए सनी, तुम्हारा नाम है? हाँ मेरा नाम है, पर बात क्या है? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। पर क्यों? इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है, चलना पड़ेगा। पर हमने किया क्या है? लफड़ा हुआ है ना मैडम, इसका मतलब चलना पड़ेगा। हाँ। चलो चलिए चलो। साहब अंदर बैठे हैं, अपना स्टेटमेंट साहब के आगे जाकर दीजिए, और मैडम आप यहां पर बैठिए, जाइए। एक्सक्यूज मी सर। सॉरी मिस्टर सन्नी, इतनी रात गए तन्ने तकलीफ दी, अब के करें, कानून को तरीको ही ऐसे। मगर सर आपने हमें क्यों बुलाया? हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमारे साथ हादसा हुआ और आपने हमें ही बुला लिया। क्या हुआ? वो इंस्पेक्टर हॉलर कहाँ? वो लोग तो चले गए। हुआ क्या? वो इंस्पेक्टर वही है। क्या? हाँ मैं सच कह रहा हूँ। चलो हम चल कर देखते हैं, चलो चलो ना। यहाँ तो कोई नहीं है। यही तो था, शिट, फिर गायब हो गया। बाबा क्या बात है बाबू? बाबा यहाँ हवलदार थे। हवलदार था और थानेदार भी था और पुलिस स्टेशन भी था, मगर अब कुछ नहीं रहा। क्या बात कर रहे हो बाबा, हमने सबको यहाँ देखा। देखा? हाँ हाँ हमने भी सबको देखा था, मगर 20 साल पहले। नमस्ते सर। सनी क्या हुआ? सनी मामी जी, हम जहां रुके थे वहां मैंने एक लाश देखी, उसके बाद वही चेहरा बार बार अलग अलग आदमी के रूप में दिखने लगा, कभी वॉचमैन, कभी ड्राइवर, कभी अजनबी, पता नहीं वो लाश है कि आत्मा, वो जो भी है वो मेरा पीछा कर रही है। हिम्मत से काम लो बेटा, ये बताओ उसका चेहरा कैसा है? हाँ। क्योंकि चेहरे में बहुत सारे सच छिपे रहते हैं। मैं आपको क्या बताऊं मामा जी? मुझे नहीं, स्केच एक्सपर्ट को बताना, उसे उसका हुलिया बताओगे तो वो उसकी तस्वीर बना देगा। आत्मा की तस्वीर? देखिए सर, आपने जैसे कहा था मैंने वैसे बना दिया। हाँ देखो बेटा, इनमें से कोई है? Thank you.
से कोई नहीं। आखिर वो भला है क्या? सनी, अब तो आराम कर ले। हाँ, आराम कैसा मामी, घर में रहूंगा तो फिर वही सब सोचता रहूंगा। सोचता हूँ फ्रेश होकर ऑफिस हुआ हूं। सही कह रहा है, ठीक है बेटा। अब तुम्हें किस बात के पैसे चाहिए? तुमसे छोटा सा काम तो हुआ नहीं, पैसे किस बात के दूं? जो काम तूने अपने को बजाने भेजा था ना, उसमें अपने छोकरों की बच गई है। सब सारे के सारे अस्पताल में पड़े हुए, उनके इलाज के लिए मुझे पैसों की जरूरत है, समझ गया? कंपनी के हिसाब किताब में हेरा फेरी करके मैं लाखों रुपए खा चुका हूं। सोचा था सनी की वाइफ की किडनैपिंग से जो पैसा मिलेगा उसको लेकर ऑफिस छोड़कर हिंदुस्तान से बाहर चला जाऊंगा, लेकिन तुमने मेरे सपनों पर पानी फेर दिया, तो पैसे किस बात के दूं? पैसे तो तेरे बाप को भी देने पड़ेंगे, समझ गया? पैसे तो देने पड़ेंगे, ठीक है तुम यहां से जाओ, पैसे तुम्हारे अड्डे पर पहुंच जाएंगे। पकड़ लो इनको। अबे कौन है? छोड़ मेरे को, छोड़ छोड़ छोड़। इतनी भी जल्दी क्या है डीके, अभी तो मुझे तुमसे बहुत सा हिसाब लेना है। डीके जो आस्तीन में सांप पालना जानते हैं ना, तो उनका फन को चलना भी जानते हैं। ले जाओ इन्हें और कर दो पुलिस के हवाले। अबे छोड़, अबे भूतनी के, तू क्या मुझे पुलिस के हवाले करेगा? We'll be right back.
जाएगी अब ये क्षमा रह जाएगा धुआं इश्क की अग्नि जल रही है क्षमा सिर सिर सरगोशी में अरमा है रवा भिनी भिनी मदहोशी में रात है जवा क्या कर रही थी मैं क्या कर रही थी मैंने अपनी आंखों से तुम्हें उस शैतान की बाहों में देखा है शैतान मुझे कुछ नहीं पता मैं तो अपने कमरे में सो रही थी मैं वहां कैसे पहुंची मुझे खुद को नहीं पता तो फिर तुम्हारी यह हालत कैसे हुई मेरी मुझे आपकी कसम आपके प्यार की कसम मुझे कुछ नहीं पता आप मुझ पर भरोसा कीजिए मुझे कुछ नहीं पता है फिर किसे पता है मुस्कान उसे जो मेरी जिंदगी उजाड़ना चाहता है कौन है वो और क्यों हर कदम पे मुझे नजर आ रहा है है उसके चलते मेरा दम निकल जाएगा ओ, मैं पागल हो जाऊंगा नहीं आप ऐसा मत करिए अगर आपको कुछ हो गया तो मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी सनी ये क्या हुआ ये तो बहुत ही भयानक बात है वो आत्मा घर तक पहुंच गई ना जाने अब क्या होगा कुछ नहीं होगा सनी बेटा यहां घर में रहोगे तो उसी के बारे में सोचते रहोगे बेहतर होगा कि ऑफिस जाओ काम में मन लगाओगे तो सारी बातें भूल जाओगे मगर मुस्कान वो अभी तक उस हादसे से बाहर नहीं आ पाई है रात से कमरे में बैठकर रो रही है मुस्कान को मैं देख लूंगी तुम ऑफिस जाओ जाओ सारी फाइल्स आ गई हैं यस मैम ओके गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग मेरा कोई फैक्स आया है यस सर मेरे कैबिन में भिजवा दो ठीक है गुड मॉर्निंग सर अरे कल्पना सनी सर कुछ वीक लग रहा है ना शायद शादी रास नहीं आई होगी मगर दिखने में तो सब ठीक ही लग रहा है मुझे लगता है कि कुछ और ही बात है यस सर मेरा ऑफिस में मन नहीं लग रहा है बड़ी बेचैनी सी हो रही है I want to go home. सारे डॉक्यूमेंट्स पर मेरे साइन हो गए हैं ना जी सर एनी मीटिंग और समथिंग नो सर मीटिंग तो नहीं है पर वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए इंटरव्यू है सर वो आप हैंडल कर लेना सर वो सारे एप्लीकेंट्स में से चार कैंडिडेट चुने हैं सर मैंने अब वो चारों ऑफिस आ चुके हैं अगर आप एक नज़र उनके रिज्यूम में डाल लेते तो बाकी काम मैं संभाल लेता सर ओके आप उनके एप्लीकेशन ले आइए मैं देख लेता हूँ ओके सर
हेल। व्हाट हैपेंड सर? नथिंग, एक लाइटर लेकर आइए। आप ये एप्लीकेशंस देख लीजिए, मैं लाइटर लेकर आता हूँ। कौन था सर? आपने जिसके बारे में कहा था वो तो गायब। ये कैसे हो सकता है? अगर वो कोई आत्मा है तो दिन में नजर कैसे आ सकती है? बेवकूफों जैसी बातें मत करो स्वीटी। ये कहां लिखा है कि आत्माएं दिन में नजर नहीं आती? मुझे पता है कहीं नहीं लिखा है, मगर आत्माओं के कोई बंधन कोई नियम नहीं होते। ना उजाले के ना अंधेरे के, ना जमीन के ना आसमान के, ना दिन के ना रात के, समझी? वो इस घर तक ऑफिस तक आ पहुंची। आखिर ये आत्मा हमसे चाहती क्या है? यही एक सवाल मुझे भी परेशान कर रहा है। मुस्कान, मेरे ख्याल से कुछ दिनों के लिए तुम्हें मायके चले जाना चाहिए। मामी, मैं इन्हें इस हाल में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। एक काम करो बेटा, तुम दोनों चले जाओ, थोड़ा चेंज मिलेगा। हाँ ठीक है मामा जी, हम अभी निकलते हैं। खुश रहो। जीते रहो बेटा। कैसी हो बेटी? ठीक हूँ। सुना हा? शादी के बाद पहली बार दामाद जी हमारे घर आए हैं। कैसे हो बेटा? बस ठीक हूँ जी। अमित जी, अरे देख क्या रहे हो? हाँ जाओ जीजू को अपने कमरे में लेके जाओ। आइए जीजू, चलिए मेरे कमरे में। पहले वो दी का कमरा था, बट नाउ इट्स माइन। चलिए। मुस्कान, क्या बात है? दामाद जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। हाँ बेटी, कुछ बीमार से लग रहे हैं। पता नहीं हमारी जिंदगी को किसकी नजर लग गई है। जब से हनीमून पर गए हैं तब से रोज कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। अरे आइए जीजू, आइए। यह है मेरा रूम जो कि पहले दीदी का था लेकिन अब सिर्फ मेरा है। जीजू क्लब चलें, एक पार्टी है प्लीज। नो थैंक्स यार, आई एम रियली टायर्ड, थोड़ा आराम करूंगा। ओके आप आराम कीजिए, लेकिन आपको कभी भी कोई जरूरत पड़े तो मुझे याद कीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल। ओके जीजू, बाय। ये कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आप क्या, इस बात पे तो किसी को भी यकीन नहीं हो रहा, पर ये सच है। बेटी एक बात बताओ, क्या वो आत्मा तुम्हें कभी नजर आई? नहीं, पर वो है।
क्या बात है, आप इतने खामोश क्यों हैं? जब सवालों के जवाब ना हो तो खामोश ही रहना पड़ता है। क्या मतलब? तुम हमेशा मुझसे पूछा करती थी ना कि मैं इतनी पूजा पाठ क्यों करवाता हूँ। हाँ, हमारे बाबा जी ने कहा था कि सनी की जान को खतरा है, उसी पूजा पाठ की वजह से हमारा बेटा शायद अभी तक सलामत है। तो फिर बाबा जी को दोबारा बुलाइए ना। बाबा जी एक महीने के लिए हरिद्वार चले गए। हाँ। इस एक महीने तक परमात्मा ही उसकी रक्षा करेंगे। आधा अधूरा नहीं, मुझे पूरा सच जानना है। ये उसी कमीने की तस्वीर है जिसने कभी कभी लाश, कभी वॉचमैन, कभी ड्राइवर बनके मेरा जीना हराम कर रखा है। क्या? इसने? हाँ, इसी ने। अब बताओ ये कौन है? ये जय था। था मतलब? मैं और जय एक दूसरे को दिल की गहराइयों से प्यार करते थे। मेरा प्यार जय के लिए और उसका मेरे लिए सच्चा था, पर हमारा प्यार नाकामयाब रहा। मेरी शादी आपसे हो गई। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने जहर खाकर मेरे इन्हीं हाथों में अपना दम तोड़ दिया।
तुम्हें आज भी उससे प्यार है? अगर मैं इस बात से इनकार करूं तो वो झूठ होगा, क्योंकि दिल को बहलाया जा सकता है, ज़हन को समझाया जा सकता है, कोई इन यादों का क्या करे जिसको भुलाने की कोई दवा नहीं। रही बात प्यार की, तो लड़कियां सदियों से प्यार करती आई हैं, वो प्रेमिकाएं कैसी रही वो तो वो ही जानती हैं, मगर वो बीवियां ईमानदार और सच्ची हैं। दलीलें सिर्फ झूठ पर पर्दा डालने के लिए दी जाती हैं। आज तुम बहुत पाक साफ बन रही हो, बीते हुए कल में कस्बे वादे किसी और के साथ किए। तुम झूठी हो और झूठी है तुम्हारी ये कहानी। लेकिन आज ये सबसे बड़ा सच है कि आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी। पत्नी? पत्नी तो क्या तुम तो औरत कहलाने के लायक भी नहीं हो। एक आदमी की जिंदगी बर्बाद कर चुकी हो और दूसरे की बर्बाद कर रही हो। वो तो मर गया और अब वो मुझे मार रहा है। बताओ मेरी क्या गलती है, यही कि मैंने तुमसे शादी की? नहीं सनी, ऐसा मत कहो। धोखा तुमने उसको दिया, दिल तुमने उसका तोड़ा और वो मुझे नजर आ रहा है। तुम ही बताओ आखिर मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? वो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करने पर तुला है? क्यों क्यों? मैं गलत हूं, ये मैं मानती हूं। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने आपको जय के बारे में पहले नहीं बताया। बता भी देती तो क्या हो जाता, मेरी जिंदगी तो जहन्नुम बननी ही थी। तुम्हारे दिल में आज भी उसके लिए जगह है मुस्कान? मुस्कान तुमने सबके साथ बुरा किया, उसके साथ, मेरे साथ, सबके साथ। सनी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज। माफ करने के सिवा मेरे पास और चारा भी क्या है? क्योंकि मैं इतना प्यार करता हूं तुमसे कि चाहकर भी तुम्हें सजा नहीं दे सकता। काश 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 वो वैसे ना मरता, मैं पल पल ऐसे ना तड़पता। कुछ मत कहिए, बस लेटे रहिए। डॉक्टर ने आपको बोलने से मना किया है, आपको मेजर हार्ट अटैक आया था। कोई भी सदमा आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मैं जानती हूं आपके सदमे की वजह मैं हूं, बस आप ठीक हो जाइए, मैं खुद आपकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। ऐसा नहीं कहते मुस्कान, जो हुआ उसे भूल जाओ। इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया? सनिया मुस्कान, नहीं कुछ मत कहो, कहने सुनने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। How are you feeling, Mr. Sunny? तबीयत कैसी है आपकी? इतने मेजर हार्ट अटैक के बाद
इतनी जल्दी रिकवरी, वेरी गुड। वैसे अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं हूं। कामयाब रहा। मेरा नहीं, हमारा। मर्डर, कोल्ड ब्लडेड मर्डर टर्निंग टू हार्ट अटैक, यानी कि नेचुरल डेथ। अब चाहकर भी कानून हमें सजा नहीं दे सकता। अब हमें एक होने से खुदा भी नहीं रोक सकता, खुद खुदा भी। मैं बहुत तड़पी हूं तुम्हारे लिए जय, बहुत तड़पी हूं। मैं समझी थी कि अब हम कभी नहीं मिल सकते। जब उस दिन तुमने जहर खा लिया था तो मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। क्यों बचाया तुमने मुझे? लगता है तुम मुझे तुमसे दिल लगाने की सजा देना चाहती हो। जय, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो यह आज तुमने साबित कर दिया। मगर मेरा प्यार भी झूठा नहीं है, अब ये मुझे साबित करना है। तुम्हारी प्लानिंग और मेरी एक्टिंग ने क्या कमाल कर दिखाया। हमने जो चाहा था वो हो गया। और तुम्हें याद है जब मैं पहली बार सनी को दिखा था? जय, तुम्हारी हर बात मुझे याद है। फादर ने ऐसा क्यों कहा था? वो सुन के तो मैं बेचैन हो गई थी। यही जानने के लिए तो मैं चर्च गया था। Yes, my son. मैं अजय, सनी का भाई। आपने उस दिन कहा था सनी को कोई नहीं बचा सकता, ऐसा क्यों कहा था आपने? मैंने आत्माओं के साथ बहुत आत्मी चोली खेली है, लेकिन उस दिन जब मैं रिसॉर्ट पहुंचा तो मैंने पाया वहां तो कोई आत्माओं की बात ही नहीं। तो मैं समझ गया ये जरूर किसी जिंदा इंसान का काम है। जिंदा इंसान? यस माय चाइल्ड, बाइबल कहता है कि इंसान में एक शैतान बसता है और फरिश्ता भी। शैतान से लड़ना तो आसान है, लेकिन इंसान के अंदर छुपे हुए शैतान से लड़ना नामुमकिन है। तुमने वो पुलिस स्टेशन में पुराने दोस्तों को और उस एक्टिंग टीचर को देखा था? उन अड़ियल लोगों से क्या काम लिया था मैंने। मुझे पता था तुम उन लोगों को मना ही लोगे। उस दिन जब मैंने रोमा को देखा था एक पल के लिए मैं डर गई थी,
तुम्हारे प्यार में पागल थी और तुम मेरे प्यार में। वैसे तुमने रूमा को मारा क्यों? मैंने उसे नहीं मारा, उसके लालच ने उसे मारा। नो मिस्टर जय नो, तुमने जितना समझा है रोमा उतनी बेवकूफ नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड रोमा। हाँ ये सच है, मैं तुम्हें झूठ बोलकर यहाँ पर लाया था, लेकिन उस सनी की दौलत के लिए नहीं, अपने प्यार के लिए। मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो। समझने की कोशिश करो रोमा। समझ ही तो नहीं पाई मैं तुम्हें जय, तभी तो यहाँ चली आई, मगर अब नहीं। प्लीज रोमा प्लीज। ठीक है, मैं समझ गई कि ये सब तुमने अपने प्यार के लिए किया। तुम्हें ये सब करके मुस्कान मिलेगी, मगर मुझे क्या मिलेगा? मतलब I want 50 लाख रुपीस नाउ। 50 लाख रुपए? सोच लो, अगर तुमने ये रकम मेरे हवाले अभी नहीं की तो मैं मुस्कान के पति के पास जाकर तुम दोनों का फांडा फोड़ दूंगी। लेकिन कहां से लाऊंगा मैं इतने रुपए? तो ठीक है, मुस्कान के पति को जाकर मैं अभी सब कुछ बता देती हूँ। मैं तुम ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। जय छोड़ दो मुझे। बात तो सुनो रोमा। जाने दो मुझे जय, जाने दो। रोमा प्लीज समझने की कोशिश करो। मुझे जाने दो जय, छोड़ दो मुझे, जाने दो। रोमा प्लीज, मैं तुम्हारा फांडा फोड़ दूंगी जय। वो तो ठीक है, मगर वो वॉचमैन कैसे मरा? उसे मैंने नहीं मारा, उसे उसकी मौत ने मारा, जैसे मुझे तुम्हारे प्यार ने मारा। सुनो, रुको, कुछ भी कहो, हमारी प्यार की तरह हमारी प्लानिंग भी कामयाब रही। अब हमें एक होने से, शादी करने से कोई भी नहीं रोक सकता। जय, हम फिर उसी रिजॉर्ट में क्यों जा रहे हैं? तुम्हारा अधूरा हनीमून पूरा कर रहे हैं। इंतजार करवाया तुमने। इंतजार तो अभी बाकी है। नहीं, अब नहीं, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। हाँ जय, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। जय, कुछ सुनाई दिया आपको? कुछ नहीं मुस्कान, बस प्यार में खो जाओ। ये कौन हो सकता है?